हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम जीत की दुनिया। और ये देखो 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 देख, येलो येलो मैचिंग हो गई है ना। और दो बच्चे कहाँ गए? दो बच्चे और किधर गए? फोन में फोन क्यों दे रखा उनको? वो अपने चुपके से फोन में लग रहे हैं, अपने पापा का फोन ले गए। इनको पता ही नहीं इनका फोन ले गए। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तेरे बर्थडे का ही हमें थोड़ा सा कुछ सुधार रखता है। ये दोनों को एक्स्ट्रा मैसेज फालतू है। बाबू अभी पापा बोले ना एक्स्ट्रा हो आप। नहीं नहीं बेटा एक्स्ट्रा हो आप। बदी को एक आई थी सही और आप दो एक्स्ट्रा हो। आप एक्स्ट्रा नहीं हो। नहीं नहीं मनाएंगे मनाएंगे। इसका बर्थडे आएगा भाई जुलाई में, 11 जुलाई का बर्थडे आएगा इसका। 11 जुलाई को मनाएंगे इसका बर्थडे। अच्छा बच्चा है, अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और बातों से एक बात याद आई, देखो अभी इसने कहानी सुनाई थी बहुत अच्छी, अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। हाँ इसका 1 मई को आएगा, इसका 11 जुलाई को आएगा, और दीपू का है सैटरडे को 22 जुलाई को। ट्वेंटी टू अप्रैल को है, 22 अप्रैल को है दीपू का बर्थडे। और ये बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं। और आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी दिखा रही हूँ मैं क्या बोली मैंने, इसकी चुप कैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसको पता नहीं था मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी दिखाते हैं। एक शिवजी और पार्वती थे। शिवजी तो बाहर गए थे घर में से, पार्वती थी तो पार्वती ना रही थी, तो पार्वती हल्दी से ना रही थी, तो उसने हल्दी से एक गुड्डे का आकार बना दिया और उसमें जल फूंक कर उसको जिंदा कर दिया और उसका नाम गणेश रख दिया। और वो पार्वती ने अपने बच्चों को आज्ञा दी कि तुम घर से बाहर बाहर घर के बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। तो वो गणेश जी बहुत आज्ञामानी थे, बहुत समझदार थे, तो उसने माँ की बात मानकर डंडा लेके बाहर खड़ा हो गया। और उसके पिताजी आ गए, मतलब शिव जी महाराज आ गए। तो शिव जी महाराज अंदर जा रहे थे तो गणेश जी ने रास्ता रोक लिया। गणेश जी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी मम्मी डिस्टर्ब होगी। फिर उसने बोला तुम किसके बेटे हो? तो वो उसने बोला मैं पार्वती का बेटा हूँ गणेश, मैं पार्वती का बेटा गणेश हूँ। तो वो शिव जी अंदर जाने की कोशिश करते रहा पर वो अंदर नहीं जा पाया। गणेश जी उसका रास्ता रोकता है। तभी उस बाप और बेटे में लड़ाई हो गई, तो शिव जी ने अपना त्रिशूल फेंक कर उस गणेश जी का उससे काट दिया। तभी जोर की आवाज आई और पार्वती बाहर आई और अपने बच्चों को देखा तो वो रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसने शिव जी से कहा कि कुछ भी करो, मेरा बच्चा जिंदा होना चाहिए, मुझे अपने बच्चे को जिंदा करना है। तो उसने अपने सभी शिव जी ने अपनी सभी साथियों को कहा कि जाओ जंगल में, किसी का भी बच्चा नहीं, मैं कोई भी रास्ते जंगल में जाओ, कोई भी रास्ते से जानवर गुजरा उसका सिर काट लिया। तो उसने एक हाथी का सिर काट के लिया और उसे गणेश जी के सिर में लगा दिया और मंत्र फूंक कर फिर वो जिंदा हो गया, इसलिए उसका नाम गणेश जी रख दिया।